काफी टाइम से मैं एक ऐसी एनिमे सीरीज की तलाश में था जो सारी दुनियादारी भुलाकर बस अपने वश में कर ले, और एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरी तलाश खत्म हुई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटंस सीरीज के बारे में। अभी फिलहाल मैंने इसका फर्स्ट सीजन देखा है तो उसी के बारे में बात करूंगा। जब इसके बाकी बचे दो सीजन मैं देख लूंगा तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाकर आपसे बात कर लूंगा। इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 25 एपिसोड है, और जो भी एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देखना पसंद करता है और जिसने अभी तक ये वाली सीरीज नहीं देखी है, जैसे मैंने नहीं देखी थी और बाकी बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, तो मैं उन्हें यही कहने वाला हूं, एक बार जरा इसका पहला एपिसोड देख लो। कसम से मैं गारंटी देता हूं तुम इसके 24 एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। ऐसा ही हाल तो मेरे साथ हुआ था। ये सीरीज बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, यानी इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं, और इसमें डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कोई लाइफ में आपको डिसीजन लेना हो, फ्रेंडशिप का जो इंपॉर्टेंस हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब जो लोग इसमें कुछ सीखना नहीं चाहते तो डोंट वरी यार, आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगा इसमें। और इसका फर्स्ट सीजन एक साथ देखने के बाद यह प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि बार बार मेरे दिमाग में वो टाइटंस, वो एरन, मिकासा, ये सब चीजें बार बार दिमाग में आ रही हैं। तो आप लोगों को इसकी कहानी के बारे में बता देता हूं। एक इंसानों का इलाका है जो तीन दीवारों के बीच में रहता है, मतलब तीन गोलाकार दीवारें हैं। सबसे बाहर की दीवार है वोल मारिया, फिर उसके बीच में है वोल रोज, फिर है सबसे अंदर की दीवार वोल सीना। जो ये वोल सीना के जो अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि अमीर है, ये गवर्नमेंट यही लोग चलाते हैं। ये दीवारें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि इन दीवारों के बाहर जो है वो बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, मतलब 5 मीटर से लेकर 60 मीटर तक के राक्षस हैं जिनको ये टाइटन्स कहते हैं। वैसे 60 मीटर का टाइटन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, एक या दो बार ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम कोलोसल टाइटन है। बाकी के आपको 5 से 15 मीटर के टाइटन जो है इसमें देखने को आमतौर पर मिलेंगे। तो शुरुआत होती है इसके फर्स्ट एपिसोड से, जिसमें पहले जो है एक बड़ा सारा टाइटन, मतलब कि 60 मीटर लंबा टाइटन, जो पहले ही एपिसोड में आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, वो आकर जो वोल मारिया जो है वो सबसे लास्ट की जो दीवार है उसका गेट तोड़ देता है, और उस गेट के पास लगा हुआ एक गांव है, और उस गांव में जो इस सीरीज के मेन पात्र, मेन हीरो एरन और उसकी बचपन की दोस्त मिकासा इसी गांव में रहते हैं। मिकासा के बचपन में ही माँ बाप मर गए थे। अब वो कैसे मर गए थे मिकासा, फिर उसमें एक प्रॉब्लम में भी आ गई थी, अब वो चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, इसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और जब कोलोसल टाइटन स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एपिसोड में वो गेट तोड़ देता है, तो जैसे टाइटन अंदर आते हैं, उस गांव में एंटर कर देते हैं, वो तो हर तरफ तबाही मचाती है, और इस तबाही में एरन की माँ को उसके सामने वो टाइटन खा जाता है। मतलब यार मैं सच कहूँ यार, ये जो सीरीज है वो छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो वाला सीन देखकर मैं ये सोच रहा था यार ये क्या दिखा रहे हैं। एरन बचपन से ही एक सर्वे कोप नाम की एक मिलिट्री फोर्स है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली इस इंसानों के इलाके में दो ही जो है फोर्स है, एक तो पुलिस है जो अंदर सुरक्षा करती है लोगों की, और एक जो बाहर जाके टाइटन्स को मारते हैं। अपनी माँ की मौत के बाद एरन जो है वो ये मिलिट्री फोर्स जो ज्वाइन कर लेता है, और उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए मिकासा उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये भी ज्वाइन कर लेती है, और इनके साथ इनका दोस्त आर्मिन ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो मिकासा और एरन, इन दोनों के बारे में बात मैं लास्ट में करने वाला हूँ। सबसे ज्यादा कमाल की जो मुझे इस एनिमे सीरीज में ये लगी कि इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, और इसका साउंड यार वो दिल में उतर गया है। एक बहुत सारा सवालों का भंडार हमारे सामने खड़ा हो जाता है जब ये फर्स्ट सीजन खत्म होता है। यानी जो इसके 25 एपिसोड है, मैं यही कहूंगा कि वो ये बताने के लिए कि टाइटन्स कितने ज्यादा खतरनाक है, और सच में यार वो बहुत ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। वो लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, उनको ऐसे चबा के खा रहे हैं। और जिस भी कैरेक्टर से आप जुड़ते हो, डेफिनेटली आप 25 एपिसोड देखोगे तो एक कैरेक्टर होगा जिससे आप कनेक्ट होते हो, उसके बारे में जानते हो, वो अपनी स्टोरी बताता है, और उसको थोड़ी देर बाद टाइटन खा जाता है। इतना नहीं सोचा था कि ये चीजें दिखाएंगे ये लोग इस एनिमे सीरीज में। वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप चाहते हो एक बेस्ट एनिमे सीरीज में। और मुझ जैसे एक एनिमे लवर के लिए तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए ये एनिमे सीरीज जन्नत है। ये एनिमे सीरीज केवल इंसानों और टाइटन्स के बीच में लड़ाई दिखाई गई है, इसके ऊपर नहीं है। इसके अलावा और बहुत कुछ है इस एनिमे सीरीज में, मतलब इसमें बहुत सारे राज जो है वो दफन है, और डेफिनेटली जब इसका मैं सेकंड सीजन या थर्ड सीजन देखूंगा तो उन राजों के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। तो अब बात करते हैं एरन और मिकासा के बारे में। मैं सच कहूं तो मेरा सबसे ज्यादा जो फेवरेट कैरेक्टर जो इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में रहा है वो मिकासा है। यानी ये जो लड़की है वो पागल है यार, वो एरन को बचाने के लिए हर हद पार कर जाएगी। उसके बीच में कोई भी आ जाए उसे कोई परवाह नहीं है, कितना बड़ा भी टाइटन उसके सामने खड़ा हो उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो एरन को बचाने के लिए अपनी जान भी है वो जोखिम में डाल देगी। यार
मतलब उस कैरेक्टर के साथ इतना मैं कनेक्ट हो गया, मैंने कहा यार मुझे एरन से जलन होने लग गई थी। मिकासा जो है एरन की हर एक बात मानती है बिना कोई सवाल किए, उसकी हर एक बात को अपनी सराखों पे रखती है। फॉर एग्जांपल एक सीन आता है जिसमें एरन और मिकासा दोनों मिलिट्री ज्वाइन कर चुके होते हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही होती है, और फिर एक लड़का आके मिकासा को कहता है कि उसके बाल जो है बहुत खूबसूरत है, और तब मिकासा इसके लिए रिएक्ट करती है, उसको थैंक यू कहती है, और थैंक यू बोलने के जब वो एरन के पास जाती है तो एरन उसको कहता है कि अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो तुम अपने ये जो बाल हैं वो कटवा लो। और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कोई जवाब नहीं दिया कोई या कोई सवाल कुछ भी नहीं कहा, उसने अगले दिन अपने बालों को कटवा लिया। देखो यार ये वाली बात मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब चुभी यार, मतलब यार उसने थोड़े बहुत तो सवाल पूछ लेती यार क्यों कटवा ले किस लिए कटवा ले। लेकिन फिर भी एक जो चीज जो इन्होंने दिखाई ना कि एक एरन और मिकासा के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, या मिकासा जो एरन को लेकर कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज्यादा उसकी केयर करती है, कमाल की बात है। और बचपन में एरन ने मिकासा को एक जो स्कार्फ दिया था जब उसकी जान बचाई थी, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोग, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई स्पॉयलर्स इसके अंदर ना मिले, बट एक छोटा सा हिंट ये है कि एरन ने बचपन में मिकासा की जान बचाई थी, तब से ये कह सकते हो कि मिकासा ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है एरन को। जो उसे बचपन में जो स्कार्फ दिया था वो अभी तक, मतलब मैं कहूँगा कि 25 एपिसोड तक तो उसने निकाले नहीं, बाकी मुझे नहीं पता सेकंड सीजन या थर्ड सीजन में क्या होने वाला है, 25 एपिसोड तक उसने वो स्कार्फ अपने गले से नहीं उतारा। और मिकासा का कैरेक्टर ही सच में यार दिल को छू गया। अब इस सीरीज का मेरे ऊपर इतना ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ा है, मैं यही कहूंगा कि यार जो इसका सेकंड सीजन है मैं कुछ एक टाइम बाद इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेरे ऊपर असर पड़ा है। बार बार मिकासा एरन की उनका चेहरा बार बार नजर आना, वो एनिमे कैरेक्टर जो है वो बार बार दिमाग में आ रहे हैं, टाइटन्स का बीच बीच में मतलब ये आ रहा कि ये टाइटन है, ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके अंदर स्पॉयलर्स नहीं दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में बार बार घूम रही है। खैर मैं जब इसके एक या दो दिन बाद जब कंटिन्यू करूंगा तब इसके बारे में मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मेरी तरफ से इसके फर्स्ट सीजन को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 स्टार। ऑब्वियसली यार इसके अंदर हर एक चीज है, एक्शन है, ड्रामा है, फ्रेंडशिप है, हर एक चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। और जब इसका सेकंड सीजन जब मैं जब कंप्लीट कर लूंगा, जब उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उसमें यही कहने वाला हूं कि उसमें जो है मैं स्पॉयलर्स के बारे में, जो फर्स्ट सीजन का स्पॉयलर है, जो सेकंड सीजन का स्पॉयलर, मैं इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करूं, जो मेरे जो अभी जो फिलहाल दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही हैं इस सीजन को देखने के बाद, वो मैं अभी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अपने आप को रोक के रख रखा है। और जब मैं अपनी दिल की बात करूंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ मुझे इसकी कहानी, इसके करेक्टर, हर एक चीज शेयर करनी पड़ेगी, और वो जो चीजें हैं वो बिना स्पॉयलर्स दिए तो शेयर मैं कर नहीं सकता। तो इसका सेकंड सीजन जो इसके बारे में जो वीडियो बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्पॉयलर्स होंगे, फर्स्ट सीजन के भी, सेकंड सीजन के भी। तो मैं ये बात उन लोगों को कहना चाहूंगा जिन्होंने एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी बहुत ज्यादा पसंद, और जिन्होंने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके इसका फर्स्ट एपिसोड देख लो, और जिन्होंने देख लिया तो उनको तो ये कहना है कि भाई उनके उनको ये कैसी लगी, डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप लोगों का फेवरेट करेक्टर कौन था। खैर तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।